नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 24। मैं स्नेहा हाजिर हूँ खास खबरों के साथ। रूस के राष्ट्रपति पुतिन की घोषणा, हमने कोरोना वैक्सीन बनाकर रजिस्टर कराई, पहला डोज अपनी बेटी को लगवाया। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बेटियों को भी मिलेगा पिता की संपत्ति में बराबरी का हक। जम्मू कश्मीर में हाई स्पीड इंटरनेट, केंद्र ने कहा एक एक जिले में ट्रायल बेस पर शुरू होगी 4G इंटरनेट सेवा। सुलह की पहल, 9 महीने बाद 17 अगस्त को भारत नेपाल बातचीत करेंगे, नेपाली विदेश मंत्री बोले सीमा विवाद के गुलाम नहीं बन सकते। सुशांत सुसाइड केस में रिया का मोबाइल जब्त, सुशांत की मैनेजर श्रुति मोदी से तीसरी बार और रूममेट सिद्धार्थ पिठानी से दूसरी बार पूछताछ। बिहार में बाढ़ के बीच राहत, कोरोना मरीजों के लिए बना कोविड नाउ एम्बुलेंस, बाढ़ प्रभावित इलाकों के लोगों को मिल रही सुविधा। बिग बॉस सीजन 14 का प्रोमो शूट करने महबूब स्टूडियो पहुंचे सलमान खान, 13 स्लेब्स और 3 कॉमनर्स से होगी शो में एंट्री। सोने की कीमत में भारी गिरावट, 2 दिन में 1669 रुपए टूटा। हॉकी खिलाड़ी मनदीप सिंह हुए कोरोना पॉजिटिव, बेंगलुरु के अस्पताल में भर्ती। मशहूर शायर राहत इंदौरी नहीं रहे, कोरोना की वजह से 70 साल की उम्र में निधन। ऐसी तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस 24। नमस्कार।